नमस्कार दोस्तों सामाजिक जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे सामाजिक जानकारी यूट्यूब चैनल पर बावन पॉइंट चार हज़ार सब्सक्राइबर यानी कि बावन हज़ार चार सौ सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर आप सभी का दिल से धन्यवाद और दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप हमें आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और अपने सामाजिक जानकारी यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाते रहेंगे तो चलिए दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कि जो भी लोग लोन करवाते हैं चाहे वो लोन हो टू व्हीलर लोन फोर व्हीलर लोन या फिर होम लोन हो सकता है गोल्ड लोन हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार का गाड़ी पर घर पर ज़मीन पर प्रॉपर्टी पर कोई भी किसी भी प्रकार का जब हम लोन लेते हैं बैंक से फाइनेंस के रूप में तो उस पर जो फाइनेंस वाले हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगाते हैं वो किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है तो दोस्तों हमारे बहुत सारे यूट्यूबर जो भाई हैं वो ऐसे हैं कि उनको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी नहीं आती और जो फाइनेंसर है वो उनको एक गुमराह करता रहता है और उनको झांसे में दिलाकर उनको एक बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की जो दर है वो लगा देता है जिससे उसको काफ़ी महंगा ब्याज वहाँ पर चुकाना पड़ता है तो दोस्तों आज हम आपको बड़ी आसानी से बहुत ही आसान तरीके से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम पे लगती है जो हमारे लोन पर लगाई जाती है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये सभी जानकारियाँ हम आपको आज इस वीडियो के द्वारा देंगे तो दोस्तों वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखना सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना है प्ले स्टोर पर दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च में लिखना है ई एम आई कैलकुलेटर तो यहाँ पे हम इसको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं ई एम आई तो यहाँ पे आप इसको ई एम आई कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लेना दोस्तों तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों ये हमने पहले से ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया था तो ये जैसे ही हमने सर्च किया तो ये ओपन का ऑप्शन आ जाता है क्योंकि हमने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है यदि आपने इसको डाउनलोड नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हाँ जी दोस्तों ई एम आई कैलकुलेटर अप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी इस पर आपको सेकंड ऑप्शन लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप जितने रुपए का भी लोन ले रहे हो वो अमाउंट आपको लोन अमाउंट में डालनी है जैसे कि आप मान लो पाँच लाख रुपए का लोन ले रहे हो तो यहाँ पे आपको पाँच लाख रुपए लिखने हैं और उसके बाद आप अपने फाइनेंसर से पूछ ले कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या लगाने वाला है तो यदि वो बोल देता है कि आपको बारह परसेंट के ऊपर हम आपको लोन देंगे तो आप इंटरेस्ट परसेंट में बारह लिख सकते हो तो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे पीरियड का पीरियड में ईयर और मंथ लिखे हुए हैं यहाँ पर वो कितने समय के लिए आपको लोन दे रहा है वो आपको टाइम पीरियड यहाँ पे डालना है जैसे कि वो आपको मान लेते हैं हम पाँच साल के लिए लोन दे रहा है तो यहाँ पे आप साठ मंथ लिख सकते हो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने मंथली ईएमआई ग्यारह हज़ार एक सौ बाईस रुपये की आ जाती है और टोटल जो इंटरेस्ट यहाँ पे अगर हम बात करें कुल ब्याज की तो वो बनता है दोस्तों एक लाख सतासठ हज़ार तीन सौ तैंतीस रुपये और दोस्तों आपको टोटल ब्याज के साथ टोटल जो पेमेंट है वो छः लाख सतासठ हज़ार तीन सौ तैंतीस रुपये पे करनी है तो दोस्तों इस प्रकार आपके सामने पाँच लाख रुपये का बारह परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पाँच साल के लिए आपको ग्यारह हज़ार एक सौ बाईस रुपये की साठ किस्तें पे करनी होगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो यदि आप इसकी डिटेल देखना चाहते हो तो आप इसकी डिटेल पर क्लिक करके यहाँ आप अपनी डिटेल देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों लोन अमाउंट आपकी पाँच लाख रुपए लिखी हुई है और इंटरेस्ट जो रेट 12 है वो आपकी बारह परसेंट है पीरियड जो मंथ्स में वो आपके साठ है और मंथली जो ईएमआई है वो ग्यारह हजार एक सौ बाईस रुपये की आपकी हर महीने की किस्त है तो टोटल जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाख सतासठ हज़ार तीन सौ तैंतीस रुपये और टोटल जो पेमेंट है वो आपको ब्याज के ब्याज के समेत आपको छः लाख सतासठ हज़ार तीन सौ तैंतीस रुपये यहाँ पर आपको भरनी है तो दोस्तों ये जो हम जो किस्त देते हैं ईएमआई देते हैं इसी ईएमआई के अंदर हमारा धीरे धीरे जो प्रिंसिपल है वो भी कम होता जाता है और हम हम पर जो ब्याज लगता है वो ब्याज भी इसी किस्त में से कट होता जाता है जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पहले मंथ में लिखा हुआ है प्रिंसिपल छः हज़ार एक सौ बाईस रुपये और जो इंटरेस्ट है वो है पाँच हज़ार रुपये और इस प्रकार आपने लोन लिया था पाँच लाख का तो ब्याज के साथ आपका पहले महीने में पाँच लाख पाँच हज़ार रुपये आपके यहाँ पे अमाउंट बन जाती है और आपने ग्यारह हज़ार एक सौ बाईस रुपये पे किए जिसमें से पाँच हज़ार रुपये तो आपका जो ब्याज है वो भरा गया और छः हज़ार एक सौ बाईस रुपये आपके प्रिंसिपल के फालतू चले गए तो इस प्रकार यहाँ पर आपका जो अब आप जो प्रिंसिपल है वो चार लाख तिरानवे हज़ार आठ सौ रुपये बच जाता है नेक्स्ट महीने फिर आप ग्यारह हज़ार एक सौ बाईस रुपये की किस्त पे करते हो तो आपका चार हज़ार नौ सौ अड़तीस रुपये इंटरेस्ट और छः हज़ार एक सौ चौरासी रुपये आपका प्रिंसिपल में से कम हो के अब आपकी जो जो पेंडिंग जो प्रिंसिपल है वो बच जाएगा चार लाख सतासी हज़ार छः सौ तिरानवे रुपये और इस प्रकार तीसरे महीने में चौथे महीने में आप धीरे धीरे ये किस्तें पे करते रहते हो और इस प्रकार दोस्तों साठवें महीने में आपका ग्यारह हज़ार एक सौ ग्यारह हजार तेरह रुपये आपके शेष रह जाते थे जो आपने किस्त में पे कर दिए और इस प्रकार आपका यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो है यह जीरो शो हो रहा है तो दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के आपके जो ऊपर लगती है उसके बाद आप अपना जो चार्ट है वो भी देख सकते हो हो सकता है वो आपको 12 परसेंट की बजाय 24 परसेंट दे दोस्तों तो आप किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे वही सेम मेथड है दोस्तों लोन अमाउंट में आपको अमाउंट डालनी है जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे अमाउंट पाँच लाख रुपये ही है और हमारा जो टाइम पीरियड है अगर वो पाँच साल की बजाय चार साल है तो आप यहाँ पर साठ की बजाय अड़तालीस लिख सकते हो और आपकी जो इंटरेस्ट जो परसेंट है वो 12 की बजाय यदि आपकी 24 है तो यहाँ पे आप 24 लिख देना उसके बाद फिर आपको कैलकुलेट पर क्लिक करना है वही सेम दोस्तों कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद आपके पास मंथली जो ईएमआई है वो सोलह हजार तीन सौ रुपये की अड़तालीस ईएमआई आपकी बन जाएगी और यहाँ पे टोटल जो इंटरेस्ट है वो दो लाख बयासी हज़ार चार सौ चौरालीस रुपये आपको देना होगा तो टोटल जो पेमेंट है दोस्तों आपके द्वारा प्रिंसिपल और ब्याज के समेत आपसे सात लाख बयासी हज़ार चार सौ चौरास रुपये ले लिए जाएंगे अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हो तो दोस्तों आप डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना ईएमआई डिटेल जो चार्ट है वो देख सकते हो तो इस प्रकार दोस्तों आपसे ये ईएमआई भरवाई जाती है तो जो भी दोस्तों आपको कैलकुलेट करना हो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर एप्लीकेशन के द्वारा आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ईएमआई कैलकुलेटर एप्लीकेशन के द्वारा जो आप लोन लेते हो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी जो लगती है फाइनेंसर के द्वारा लगाई जाती है उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो दोस्तों सीख गए होंगे तो आपको कोई भी फाइनेंशल लोन देते समय अगर आपसे 24 परसेंट से ज़्यादा अगर वो आपको लोन देता है तो दोस्तों आप मोटी मोटी भाषा में समझ लेना कि आपको वो साधारण भाषा में यदि हम बात करें तो दो रुपये सैकड़ा से, से ज़्यादा ही अमाउंट दो रुपये सैकड़े से, से ज़्यादा ही आपको वो ब्याज लगा रहा है हमने हमारे चैनल पर वीडियो डाली हुई है कि लोन लेने से पहले जानिए कि आपको लोन जो कर रहा है वो आपको रिड्यूसिंग लोन कर रहा है या फिर फ्लैट लोन कर रहा है तो इसकी वीडियो भी दोस्तों आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आप इसको देख सकते हो कि आपका जो लोन है वो रिड्यूसिंग फिर फ्लैट है धन्यवाद दोस्तों